हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे फ्रंट कट फ्रॉक। ये देखने में बहुत ही अच्छा लुक देती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके एक बार और फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे हम चोली का हिस्सा काट रहे हैं आगे पीछे के लिए। तो चोली की लंबाई जो है 11 इंच, एक्स्ट्रा हम 1 इंच ले लेंगे। तो 12 इंच हम यहाँ लंबाई रख रहे हैं। शोल्डर हमें लेना है 7 इंच, क्योंकि हमें स्लीवलेस बनाना है। गला हमने लिया है 2.5 इंच। शोल्डर की लंबाई हमारी है वो है 6 इंच। तो यहाँ पे मैं 2 मार्क कर लूँगी, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए। गले के लिए हमें आगे की लंबाई लेना है 6 इंच और पीछे की हम रख रहे हैं 3 इंच। तो हमने यहाँ पर दोनों ही निशान लगा लिए हैं, पीछे के लिए और आगे के लिए। आगे हम वी शेप में गला रखेंगे। यहाँ पर हमारी जो चेस्ट की चौड़ाई है वो है 32 इंच। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, तो यहाँ हमने 10 इंच ले लिया है। कमर ली है हमने 9 इंच, कमर है हमारी 28, तो उसका एक चौथाई हुआ 7। 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे, तो यहाँ हमने कमर की चौड़ाई लेनी है 9 इंच। अब हम पहले पीछे वाले हिस्से की कटिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए पीछे वाले हिस्से के लिए हमें कट करना है। तो हमने यहाँ पीछे के लिए कटिंग कर ली है, वापस हम कपड़ा उसी तरह रख लेंगे। अब हम ये आगे के लिए कटिंग कर रहे हैं, तो आगे के लिए हम वी गला बनाएंगे। वी गला देखने में बहुत ही अच्छा लुक देता है। यहाँ से हम इसको प्रिंस कट बनाएंगे। तो हमने नीचे से इसकी चौड़ाई 4 इंच और उसके बाद उसकी लंबाई भी 4 इंच रखते हुए प्रिंस कट में कट कर लेंगे। और आगे जो शोल्डर है वहाँ उसकी गोलाई हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे, जिससे इसमें फिटिंग बहुत अच्छी आती है आगे से। अब हम गले के लिए पट्टी कट कर लेंगे। तो गले की पट्टी को रखते हुए और 1 इंच ज़्यादा रखते हुए हम इसकी गले की पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आगे पीछे के लिए पट्टियाँ कट कर ली है। अब हमारा जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसे हम लेंगे और इसको 2 बार फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा कपड़ा जो है वो 2 मीटर था। तो चोली के लिए निकाल कर जो भी कपड़ा बचा हमने पूरा ले लिया है। यहाँ पे हमारी कमर का हम निशान लगाएंगे 9 इंच। उसके बाद हम यहाँ पर तिरछा शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये ए लाइन फ्रॉक जैसा है। यहाँ पर हम आगे कट लगाएंगे, तो इसके लिए फ्रॉक का एक हिस्सा लेंगे। पीछे वाले हिस्से को हम साइड में रख देंगे। जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसे हम सीधे रखेंगे और यहाँ से 2 इंच मार्जिन प्लस 4 इंच हम ले लेंगे और उसके बाद सीधा निशान ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो बस हमें यहीं से खुला रखना है, बाकी हमें साइड से फिटिंग डालनी है। तो हमारी फ्रॉक कट चुकी है, अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गले पर पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। तो हमारी गले पर पट्टी अटैच हो गई है। अब हम प्रिंस कट जो हमने कटिंग की थी उसे हम सिलाई लगा लेंगे। आप बिना काटे भी मार्क करके सिल सकते हैं, पर काटने पर इसका शेप बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसे काट कर लगाया है। इसी तरह हम दूसरे साइड पर रख कर इसे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट का भाग रेडी हो चुका है और बैक का भाग जो है उसमें हमने पीछे 2 स्टिच लगा लिए हैं और गला भी तैयार कर लिया है। अब हम उसे कंधों को अटैच कर देंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा लेंगे, जिससे इसमें गले पर ये बहुत अच्छे से फिट होता है, 1/2 इंच इतना। अब हमें
से उल्टा करके और शोल्डर भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा बनकर तैयार है। अब हम इसमें हमारा जो हम नीचे दामन रहेगा उसको ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारी जो हमने अभी कट किया था उसको हम पहले फोल्ड कर लेंगे। दोनों को फोल्ड करना है हमारे आगे वाले भाग को, तो और फिर इसको फ्रंट वाले भाग पर ही उल्टा रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें इनको एक के ऊपर एक दबा कर रखना है। जो हमारा प्रिंस कट का जो निशान है उसे हमें इस कट को मिला लेना है और सिलाई लगा लेना है। तो हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब हम जो खुला हुआ भाग है उस पर हमें 4 इंच इतना दबाकर इसमें सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि चोली की जो लंबाई है वो है 11 इंच। तो यहाँ पे ये खुला हुआ रहता है, आप चाहें तो इसे खुला रख सकते हैं अगर आप इसे जीन्स के ऊपर पहन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम पैंट के ऊपर पहनेंगे, प्लाजो पैंट के ऊपर। तो यहाँ पे हमें इसे दबाना ज़रूरी है। अब हम इसमें फिटिंग का मार्क कर लेंगे जो भी हमारी फिटिंग है, और इस पर स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये फ्रॉक डिज़ाइन मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको और हमारा साथ यूँ ही बना रहे। और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नीचे स्कर्ट में हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और इसमें सिलाई लगा लेंगे। हम नीचे से दबाते हुए इसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे।